कहते हैं नई सरकार देंगे, पर पहले भी तो बीजेपी की सरकार रही है झारखंड में। दोनों तरफ कांग्रेस को नुकसान हुआ है, कांग्रेस क्या कोई कांग्रेस को नुकसान हुआ है, कांग्रेस इंटरफेयर करेगी, हमें अपने आप को देखेगी क्यों नुकसान हुआ। हाँ बिल्कुल, कांग्रेस हम इस पर बिल्कुल विचार करेंगे कि क्यों हमें नुकसान हो रहा है, पर जम्मू एंड कश्मीर में हमारी जो उम्मीद थी वही हो रहा है। सर क्या जम्मू कश्मीर में कोई एक कांग्रेस के लिए भी विकल्प है कि पोस्टल लैंड पर बातचीत करे, इस तरह कोई एमसीसी के साथ? नहीं, बीजेपी के साथ तो पोस्टल के साथ या ये सब संभव है, अभी पूरे आंकड़े आ जाएं, पूरे रिजल्ट आ जाएं, तब इस पर चर्चा करेंगे। तो 6 महीने में कुछ बदला है? बहुत कुछ बदला है। लोकसभा का अगर लोकसभा का परिणाम देखें, रिजल्ट देखें, जो भारतीय जनता पार्टी की एक भयंकर लीड थी वो समाप्त होती जा रही है। ये जो अच्छे दिन आएंगे, ये अच्छे दिन आएंगे के पोल खुल रही है, और आज देश का किसान त्रस्त है, खाद नहीं पहुंच रहा, बहुत लगभग सब प्रदेशों में बिजली की कमी है, और जो कहा जाता था भारतीय जनता पार्टी की हम बिजली पहुंचाएंगे, हम खाद पहुंचाएंगे, हम न्याय करेंगे किसानों के साथ, आज इतना बड़ा धोखा अपने देश के किसानों के साथ हो रहा है। रिजल्ट नहीं आए हैं, मैं समझता हूँ कि फाइनल रिजल्ट की प्रतीक्षा करनी चाहिए। जम्मू कश्मीर में क्या मुख्यमंत्री बनाने की कोशिश करेगी बीजेपी अपनी, हालांकि अभी सबसे बड़ी पार्टी वहां पर पीडीपी? वैसे जम्मू कश्मीर में किसी को भी क्लियर मेजोरिटी नहीं मिली है, लेकिन वहां पर भारतीय जनता पार्टी का परफॉर्मेंस बहुत ही शानदार है। क्या मुख्यमंत्री बनाने की कोशिश होगी कि बीजेपी का मुख्यमंत्री हो, जम्मू कश्मीर में पहली बार मुख्यमंत्री बनेगा बीजेपी का? अब इन सब सारी चीजों के बारे में तो सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होगी, उसी में हम लोग विचार करेंगे क्या करना कैसे करना। सर झारखंड सोनवार एक ऐसा इलाका था जहां शायद पिछले 4 इलेक्शन में 3 हम जीते, वहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस के बारे में एंटी इनकम्बेंसी का तो था ही था, उसके साथ में जो सैलाब ने नुकसान किया उसका भी हमें खमियाजा भुगतना पड़ा, और मुझे पहले से ही मालूम था कि सोनवार जो है वो कांटे की टक्कर रहेगी और वहाँ जीतना जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। लेकिन अगर ये देखें ना, बीरवा का भी कोई इतना ज़्यादा आसान नहीं रहा, बीच में ऐसी सूरत हाल बनी कि मेरा लीड जो है वो पूरा गायब हुआ, और फिर आहिस्ता आहिस्ता दोबारा लीड बनी। इसका मतलब ये है कि अभी यहाँ मेहनत बहुत करनी होगी, लोगों तक पहुँचना होगा, और लोगों के उम्मीदों के बराबर जो है उनकी नुमाइंदगी करनी होगी। जितना हमने देखा, जितनी आपकी एक्सपेक्टेशंस थी एनसी की, उस हद तक नहीं जा पाई। नहीं, अब आपको आपको क्या मालूम हमारी क्या एक्सपेक्टेशंस थी जनाब? आप लोग तो इलेक्शन से पहले हमें 5 या 7 सीट से ज्यादा देने के लिए तैयार नहीं थे। अभी आप कैसे कह सकते हो ना कि हम एक्सपेक्टेशंस, हम आपके एक्सपेक्टेशंस के बराबर नहीं आए? आप मतलब मैं जब आप कहता हूँ, मैं आप जाति तौर आपकी बात नहीं कर रहा, मीडिया की बात कर रहा हूँ। ऐसा कोई मीडिया वाला नहीं था कश्मीर में जो इलेक्शन से पहले हमें 5 या 7 सीटों से ज्यादा देने के लिए तैयार था। आज हमारे पास 15 अपनी सीटें हैं, 14-15 अपनी सीटें, 2 इंडिपेंडेंट्स को हमने मदद की, तो लगभग 16-17 सीटें हमारी आ गई हैं। मुझे लगता है इन हालात में इससे बेहतर हम कर नहीं सकते थे। हम बहुत शुक्रगुजार हैं जम्मू कश्मीर के लोगों के, जिन्होंने आज हमें वोट देके जो सबसे लार्जेस्ट पार्टी के बतौर हमें चुना है, इसके साथ जो यहाँ की स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन है हम उनके भी बहुत शुक्रगुजार हैं, जिस तरह से उन्होंने इलेक्शन कंडक्ट किया, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन हो, पुलिस डिपार्टमेंट हो, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो, या फॉर दैट मैटर इवन जो दिल्ली में एनडीए की सरकार है, जो जिस किस्म के यहाँ फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए उसके लिए बहुत शुक्रगुजार हैं। जम्मू कश्मीर के लोगों के बहुत शुक्रगुजार हैं कि हम एक जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के सामने आए हैं। हालांकि ये जो मैंडेट है इट इज नॉट अ डिसाइसिव मैंडेट नहीं है, और शायद हमारी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक भी नहीं है। जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उतना ज़्यादा हमें जो है इसमें कामयाबी हासिल नहीं हुई है। तो अब चूंकि सरकार बनाने की बात है, सो आर एफर्ट विल बी, हमारी जो प्रायोरिटी होगी वो ये नहीं होगी कि हम किसी तरह से जोड़ तोड़ से या डोंट वांट टू कॉबल अप अ गवर्नमेंट, बट डेफिनेटली कि वी आर लुकिंग फॉर अ काइंड ऑफ अ गवर्नेंस विच इज बेस्ड ऑन आवर एजेंडा। उम्मीद तो बहुत ज्यादा है जीत की, आशा है कि हम जीतेंगे, सरकार बनाएंगे। I don't have the right to speak on this, that who Bharatiya Janata Party will go with. Maybe we won't need anybody for the alliance.
and it will be completely my party's decision and I'll stand with my party's decision. Ek minute. Do you think it's because of the Modi campaign that BJP is getting so many seats first time in the JNK? It's a teamwork. Modi ji's vision for Kashmir, it's like very positive. He's very sensitive with all the sensitive issues of Kashmir. And the people, Bharatiya Janata Party people, workers, karyakarta, myself as a karyakarta, we have worked really hard to come up to the expectations of people, and we are really working hard so that people of Kashmir get the good governance, anti-corrupt government. Umar Abdullah, I took it as a challenge, so it was not that difficult for me because I was there in the ground from last 5.5 years. And I knew ki beforehand ki inshallah Umar Abdullah ko main hara dunga, but he had a slightly a better edge being a chief minister, and his hometown, his father was here, his grandfather was here, so it was not that difficult because ground pe to maine kaam achhi tarah se kiya and I was connected to my people from last 5.5 years.